हेलो फ्रेंड्स, मैं इरफान खान इस कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। और आज जैसा कि आप देख रहे होंगे लिखा भी हुआ है, ट्रिपल सी की मैराथन क्लास लेकर के मैं आया हूं। ट्रिपल सी की मैराथन क्लास यानी आप नवंबर में एग्जामिनेशन होने वाला है, अक्टूबर का भी और नवंबर का भी, उन सारे स्टूडेंट्स के लिए मैं ये बहुत ही अच्छी सी सौगात यानी उनका एक फ़ायदा करने आया हूँ। क्योंकि जब बात आती है फ़ायदे की तो हर बंदा सोचता है मुझे फ़ायदा मिलना चाहिए, मुझे फ़ायदा मिलना चाहिए, मुझे फ़ायदा मिलना चाहिए। तो जब सबको फ़ायदा ही चाहिए तो क्यों ना मैराथन ही पढ़ लें हम लोग। और इस मैराथन की क्लास को आपको छोड़ना नहीं है क्योंकि 100 क्वेश्चन बैक टू बैक मैं आपको देने वाला हूँ, 100 क्वेश्चंस। और इस 100 क्वेश्चंस के बल पे आप बहुत सारी चीज़ें गेन कर सकते हैं, आपसे जो भी क्वेश्चन छूटे होंगे वो सारे क्वेश्चन आप मेनटेन कर सकते हैं अपने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आज 100 क्वेश्चंस में हम लोगों को यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो चलिए बने रहिएगा, अंत तक बने रहिएगा। और एक चीज़ और, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल वाले आइकन को दबा दें ताकि आने वाली जो वीडियो है, जब तक एग्जामिनेशन नहीं हो जाता है, आपको एक नई नई वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है, कौन सा क्वेश्चन हम लोगों को सबसे पहला क्वेश्चन मिलता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास देखिए आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, निम्नलिखित में से यानी इनमें से कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज है, आपको बताना है यहाँ पे, ठीक है ना। निम्नलिखित में से द्वितीयक भंडारक कौन सा है, हिंदी में बोले तो कौन सा द्वितीयक भंडारक है। यहाँ पर ऑप्शन में ए रोम है, बी रैम है, सी ईपी रोम है, डी SDD जिसको बोलते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव है। कौन सा इसमें द्वितीयक भंडारक है यानी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, आपको बताना है इनमें से कौन सा होगा। जी हाँ, जल्दी से बताएं आपका इसमें राइट आंसर कौन सा होगा, आपको बहुत ही आसानी से जल्दी से बताना है इसका राइट आंसर। बिल्कुल, अगर आपका पहला आंसर बहुत ईजी है, देख सकते हैं आप। जी हाँ, बिल्कुल सही, अगर आप लगाते हैं पहला, आपको यहाँ पर लगाते हैं आप जो है फोर्थ वाला ऑप्शन, तो ये ऑप्शन आपका क्या है, बिल्कुल सही है। क्योंकि जो सेकेंडरी स्टोरेज है वो रोम नहीं होती है क्योंकि वो प्राइमरी मेमोरी होती है, रैम भी प्राइमरी मेमोरी में आता है और रोम का ही टाइप्स होता है ईपी रोम। तो आपका सेकेंडरी मेमोरी कौन आ जाता है, आपका हार्ड डिस्क आ जाता है, हार्ड डिस्क ड्राइव जो है वो यहाँ पर आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा कुछ इस तरह से। देखिए क्या क्वेश्चन दिया गया है, आप पढ़िएगा यहाँ पर लिखा हुआ, बहुत आसानी से पढ़ना है, बहुत ही अंडरस्टैंड करके करना है। निम्नलिखित में से किस सेवा का उपयोग डोमेन नामों को आईपी पते में अनुवाद करने के लिए किया जाता है, आपको बताना है कि डोमेन को आईपी में और आईपी को नेम में, ऐसे बोल सकता हूं, आईपी को नेम में, नेम को आईपी में चेंज करने वाला कौन सा ऑप्शन है, यहां पर आपको बताना है। एनआईएस है, बी डीएनएस है, सी एनएफएस है, डी एसएमबी है, आपको बताना है। आईपी को नेम में, नेम को आईपी में ट्रांसलेट करने वाला ऑप्शन इसमें से कौन सा है। जी हाँ, जल्दी से बताएं आपका इसमें कौन सा आंसर सही होगा, जल्दी से बताइए। अगर आपको मालूम है तो आप बता सकते हैं, नहीं मालूम है तो मैं आपको बता रहा हूं, आपका इसमें जो आंसर है वो बी राइट आंसर है। बी आपका इसमें राइट आंसर है, जिसका फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। इसको हम लोग डोमेन नेम सर्विस भी बोलते हैं और इसको हम डोमेन नेम सर्वर भी बोलते हैं। DNS के तीन फुल फॉर्म होते हैं, डोमेन नेम सर्विस, डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम सर्वर। आपका यहां पे जो आंसर है वो है DNS। और आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये था कि ये बताइए डोमेन नेम को आईपी के पते में बदलने का काम कौन करता है, वो कौन करता है, DNS। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हुआ वो कौन सा हो गया, बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। जिन्होंने लगाया है वो अपनी काउंटिंग करते थे कि कौन कितने परसेंटेज मैं क्वेश्चन सही कर रहा हूं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास है, जी हाँ बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन यहां पे आपके सामने आया हुआ है। निम्नलिखित में से
धीरे धीरे पढ़ो, धीरे धीरे। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दो अलग अलग, दो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है ना, लोकल एरिया नेटवर्क को आपस में जोड़ा जाता है या जोड़ा जा सकता है। आपको बताना है कि दो अलग अलग नेटवर्क या लैन को, दो अलग अलग लोकल एरिया नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए इनमें से किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, इनमें से किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। ए, हब का यूज किया जाता है। बी, ब्रिज का यूज किया जाता है। सी, एचडीएलसी का यूज किया जाता है। डी, ट्यूनल का यूज किया जाता है। आपको बताना है इसमें कौन सा आपका राइट आंसर होगा। चलिए बताइए। जी हां, इसके लिए हमको ब्रिज की जरूरत पड़ती है। ब्रिज एक ऐसी डिवाइस है जो, ब्रिज एज ए गेटवे का काम, गेटवे भी ऐसे ही होती है। ब्रिज का काम क्या होता है, दो अलग अलग लोकल एरिया नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करता है। ब्रिज एक डिवाइस है जिसका एक लोकल एरिया का पोर्ट उसके ब्रिज के एक पोर्ट से दूसरे लोकल एरिया का पोर्ट दूसरे पोर्ट से ब्रिज के कनेक्ट होता है, जिसके मदद से दो अलग अलग लोकल एरिया नेटवर्क का कनेक्शन आपस में कनेक्शन हो पाता है, जिसका काम क्या होता है, दो अलग अलग लोकल एरिया नेटवर्क को आपस में जोड़ने का काम करता है। ये काम कौन करता है, यहां पर ब्रिज करता है। दो अलग अलग जिलों को कौन जोड़ता है, ब्रिज। जैसे सपोज दैट आप कहीं पे भी पुल बना हुआ है तो वो क्या कर रहा है, ब्रिज क्या कर रहा है, दो अलग अलग हिस्से को आपस में जोड़ रहा है। तो यही, इसी तरह से ब्रिज यहां पर भी वही काम करता है। ब्रिज एक हार्डवेयर डिवाइस है नेटवर्क में, नेटवर्क में ब्रिज एक हार्डवेयर डिवाइस है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर देखने से पहले मैं यहां पर आपको निशान लगा कर बता दूं आपका आंसर कौन सा है, ब्रिज, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहां पर हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास विंडोज 10 में, इन विंडोज 10 में डिवाइस को सेट करने का विकल्प, डिवाइस को सेट करने का विकल्प चुनकर प्रिंटर जोड़ा जा सकता है। ऐसी कौन सा विकल्प है जिसको चुनकर प्रिंटर को जोड़ा जा सकता है, इनमें से आपको बताना है। ए दिया गया है प्रिंटर और स्कैनर का ऑप्शन आपको मिलता है। बी, प्रिंटर का ही ऑप्शन मिलता है विंडोज 10 में जिससे हम प्रिंटर को जोड़ा जा सकता है। सी, स्कैनर का ऑप्शन मिलता है। डी, ब्लूटूथ एंड अदर हार्डवेयर डिवाइस का ऑप्शन मिलता है। जी बिल्कुल, आपके पास टाइम है, आप बताएं इसमें आकर आपको मालूम हो। कुछ सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप विंडोज 10 यूज कर रहे हैं और आप चाहते हो कि कोई प्रिंटर ऐड कर लें, तो प्रिंटर को ऐड करने के लिए कौन सा ऑप्शन आपको विंडोज 10 में मिलता है। तो बहरहाल मैं आपको बता दूं, जब आप सर्च में जाते हैं और लिखते हैं प्रिंटर, तो वहां पर विंडोज में, विंडोज 10 में जब आप जाते हैं तो विंडोज 10 के जो सर्च ऑप्शन है उसमें आप जा करके आप सीधा कंट्रोल पैनल में जा सकते हैं या सेटिंग में जा सकते हैं, तो आपको कौन सा ऑप्शन मिलेगा, प्रिंटर एंड स्कैनर का ऑप्शन मिलेगा। प्रिंटर एंड स्कैनर का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, प्रिंटर को जोड़ सकते हैं। तो आपका आंसर कौन सा सही हुआ, जी हाँ, ए आपका राइट आंसर होगा, ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारे पास है माइक्रो प्रोसेसर। यू नो दैट माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर कहाँ यूज होता है, मोबाइल में यूज होता है, कंप्यूटर में यूज होता है, लैपटॉप में यूज होता है, या सभी में यूज होता है माइक्रो प्रोसेसर। आजकल बिना प्रोसेसर के तो कोई भी डिवाइस नहीं काम कर रही है। तो आपने यहां पर आंसर आपको समझ में आ गया, मेरा क्या कहने का मतलब है, माइक्रो प्रोसेसर कहां पे यूज किया जा रहा है। जी हाँ, मोबाइल में भी यूज किया जा रहा है, लैपटॉप में भी यूज किया जा रहा है, कंप्यूटर में भी यूज किया जा रहा है, यानी सभी जगहों पर आपका माइक्रो प्रोसेसर यूज किया जा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लेकिन पहले मैं यहां पे आंसर बता देता हूं आपको कौन सा इसका राइट आंसर हो गया। सभी सभी जगहों पर माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया जा रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से
ऑन डिमांड मेल रिले क्या होता है? ऑन डिमांड मेल रिले ODMR क्या होता है? एन SMTP एक्सटेंशन होता है, प्रोटोकॉल फॉर वेब पेज होता है, प्रोटोकॉल फॉर SMTP सिक्योरिटी होती है या HTTP होता है। तो जो ऑन डिमांड मेल रिले होता है उसका राइट आंसर यहां पे होगा ए आपका इसमें राइट आंसर है। ये SMTP का एक्सटेंशन होता है। SMTP प्रोटोकॉल जो है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका क्या होता है? एक्सटेंशन होता है ODMR ऑन डिमांड मेल रिले। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, डेस्कटॉप प्रकाशन के लिए आमतौर पर किस प्रिंटर का उपयोग किया जाता है? ए डेजी व्हील प्रिंटर का यूज करते हैं आप, बी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का यूज करते हैं, सी लेजर प्रिंटर का यूज करते हैं, डी इंकजेट प्रिंटर का यूज करते हैं। आप किस प्रिंटर का यूज करके आप डेस्कटॉप पब्लिकेशन का यूज करते हैं? तो आपको बताना है, यहां पे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अगर आप मान लीजिए डेस्कटॉप पब्लिकेशन करते हैं, किताब छापते हैं या कुछ भी करते हैं, प्रिंटिंग करते हैं, तो आपको क्या करना होता है, इसमें से कौन सा प्रिंटर यूज करते हैं? जी हां, बिल्कुल सही, आपका यहां पे जो आंसर होगा वो होगा लेजर प्रिंटर। किसका यूज करते हैं आप? लेजर प्रिंटर की मदद से आप यहां पर यह काम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारे पास है एनालॉग कंप्यूटर में, अब यहां पे ऑप्शन दिया गया, एनालॉग कंप्यूटर में ए इनपुट कभी डिजिटल रूप में परिवर्तित नहीं होता, पहला ऑप्शन, बी इनपुट को पहले डिजिटल रूप में परिवर्तित किया जाता है, सी आउटपुट डिजिटल रूप में प्रदर्शित होता है, डी इनमें से कुछ नहीं। तो एनालॉग कंप्यूटर में आपको बताना है कि सबसे पहले क्या होता है। जी हां, एनालॉग कंप्यूटर में इनपुट कभी डिजिटल रूप में परिवर्तित नहीं किया जाता, इनपुट कभी डिजिटल रूप में परिवर्तित नहीं किया जाता, ये इसका राइट आंसर होगा ए। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहां पे कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा है, आपको बताना है निम्नलिखित में से यूएसएसडी समान है ईमेल के, एसएमएस के, कॉल के या इनमें से कोई नहीं। तो यूएसएसडी आपको पता है, यूएसएसडी क्या होता है? स्टार हैश 99 हैश लगा करके जब आप करते हो तो वो यूएसडी कोड होता है। तो वो कोड किसके थ्रू होता है? एसएमएस, क्या बोलेंगे इसको? एसएमएस के समान होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कमांड का उपयोग फाइलों को हटाने के लिए किया जाता है, आपको बताना है किस कमांड के उपयोग से हम फाइल को हटा सकते हैं? डीएम कमांड के थ्रू, आरएम कमांड के थ्रू, डिलीट कमांड के थ्रू या इरेज कमांड के थ्रू हम फाइल को हटा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर आपका होगा कि डी, यहां पर जो है आरएम यानी रिमूव, डायरेक्ट रिमूव के थ्रू क्या कर सकते हो आप? फाइल को हटा सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कुछ इस तरह से, निम्नलिखित में से OLX किस श्रेणी में आता है, आपको बताना है कि इनमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं B2C, C2B, C2C, B2B, आपको बताना है इनमें से OLX जो है वो किस श्रेणी में आता है। तो OLX पे आप क्या करते हो? OLX पे कोई भी बंदा आता है, मैं ही हूं, मैं कीबोर्ड बेचना चाहता हूं,
पुराना हो गया, मैं नहीं यूज करना चाहता हूँ, ठीक ठाक कंडीशन में है, मैं चाहता हूँ बेच दूँ, तो मैंने ओएलएक्स पे फोटो खींचा और डाल दिया। आप भी कस्टमर हैं, आपने भी क्या किया, देखा आपको समझ में आया, आपने मेरे से परचेस कर लिया। यही काम आपने भी किया, कोई चीज आपको समझ में आई, आपने यहां पे यूज किया, तो क्या है वो, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, सी टू सी। तो ओएलएक्स क्या है, सी टू सी है, क्या है, सी टू सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लिब्रे ऑफिस कैल का वैध ऑपरेटर नहीं है। आपको बताना है कैल का वैध ऑपरेटर्स नहीं है। देखिए, एक है अर्थमेटिकल, तो अर्थमेटिकल ऑपरेटर होता है, ठीक है, कॉम्परेटेटिव ऑपरेटर्स, टेक्स्ट ऑपरेटर्स और रेफरेंशियल ऑपरेटर्स। तो बहरहाल इसमें से जो ऑप्शन, जो ऑपरेटर नहीं है वो कौन सा है, आपका लास्ट वाला रेफरेंशियल ऑपरेटर नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसी टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल का उपयोग, किसी टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल का उपयोग दूरस्थ टर्मिनल कनेक्शन सेवा के लिए किया जाता है। दूर बैठे किसी से भी कनेक्ट करने के लिए किया जाता है, वो कौन सा प्रोटोकॉल है, यूडीपी है, आरएआरपी है, एफटीपी है या टेलनेट है। जी हां, डी इसका राइट आंसर होगा, टेलनेट। टेलनेट क्या है, ये रिमोट डेस्कटॉप है, आप रिमोटली कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं इसकी मदद से, टेलनेट की मदद से। ये इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, आप यहां बैठे हैं, अगला बंदा, अगले बंदे को आप रिक्वेस्ट करके उसको एक्सेस कर सकते हैं, वहां या यहां का स्क्रीन उसके पास एक्सेस करा सकते हैं। तो ये चीजें क्या कहलाती है, टेलनेट कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा सभी सरकारी सेवाओं के लिए, सभी सरकारी सेवाओं के लिए एकल बिंदु की सुविधा के लिए एक सामान्य और एकीकृत मंच है। मतलब सारे के सारे काम एक ही पे बैठ करके सारे सरकारी काम हो जाएं एक ही जगह से, तो वो कौन सा है, सीआरआईसी क्रिस, फिर उमंग, प्रगति या भीम की मदद से आप सारे सेवाओं, सभी भी सरकारी सेवाओं का आनंद आप कहां से ले सकते हैं, उमंग ऐप की मदद से आप ले सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, उमंग ऐप की मदद से आप सारी सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारे पास है कुछ इस तरह से, निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस कैल्क में सभी कॉलम को जोड़ करने का सही फॉर्मूला कौन सा है, इसमें से आपको बताना है, ए सम ए वन कॉमा ए टू ए फाइव ब्रेकेट बंद, बी इक्वल थ्री, सी इक्वल सम ए वन से लेकर के ए एम जे 10,48,576 और डी आपको दिया गया है इक्वल सम ए वन ए फाइव। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर सही है, आपको बताना है कि जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो बहरहाल देखिए, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम की को जोड़ करने की सही फॉर्मूला, देखिए पहले तो मैं आपको बता दूं, ए से लेकर के ए एम जे तक क्या होते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स है 1024 कॉलम होते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है कि ये बताइए कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने कॉलम होते हैं, तो आप बताइएगा 1024 कॉलम होते हैं ए से लेकर के ए एम जे तक। पूछा जाए रो कितने होते हैं, तो आप बताइए 10,48,576 रो होते हैं, और आप इसको जोड़ दीजिए। जब आप जोड़ते हैं तो आपको क्या मिलता है, ए वन से लेकर के ए एम जे 10,48,576 सेल मिलती है, ए एम जे 10,48,576 सेल मिलती है। तो आपका आंसर कौन सा सही है, यही सी वाला आंसर आपका क्या हो जाता है, यहां पर सही हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस आवृत्ति पर यूएसएसडी काम करता है? यूएसएसडी काम करता है, सर्कुलर नेटवर्क पे काम करता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, जीएसएम नेटवर्क पे काम करता है, या इनमें से कोई नहीं? तो यूएसएसडी जो हम *99# करते हैं, ये जीएसएम नेटवर्क पे काम करता है। ये किस पे काम करता है? जीएसएम, जो आप आजकल सिम यूज करते हैं, वो सिम कौन सी है? जीएसएम सिम है। जीएसएम सिम की मदद से ये काम होता है यूएसएसडी, ठीक है। यूएसएसडी जो है वो किस पे काम करता है? जीएसएम नेटवर्क पर काम करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से है, 17 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है। निम्नलिखित में से प्रोसेसर इस्तेमाल करते समय यानी कि जो प्रोसेसर है उसका इस्तेमाल करते समय जो डेटा का प्रोग्राम है वो कहाँ स्टोर होता है? डेटा का प्रोग्राम जो भी है, ठीक है, निम्नलिखित में से प्रोसेसर इस्तेमाल करते समय डाटा और प्रोग्राम कहाँ पर स्टोर होता है? ए, मेन मेमोरी में स्टोर होता है। बी, सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होता है। सी, डिस्क मेमोरी में स्टोर होता है। डी, प्रोग्राम मेमोरी में स्टोर होता है। आपको बताना है कि जब हम डेटा को प्रोसेस करते हैं उस समय प्रोग्राम और डेटा कहाँ स्टोर होता है? जी हाँ, उस समय डेटा और प्रोग्राम जो स्टोर होता है वो होता है मेन मेमोरी में। कहाँ पर स्टोर होता है? मेन मेमोरी में स्टोर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से, या कह सकते हो नेटवर्किंग में हार्डवेयर और भौतिक पतों को किस लोकप्रिय रूप से जाना जाता है? नेटवर्क में हार्डवेयर या फिजिकली एड्रेस को, फिजिकल हार्डवेयर एड्रेस और फिजिकल एड्रेस को हम किस रूप में जानते हैं? उसको मैक एड्रेस के रूप में जानते हैं आप, उसको आईपी एड्रेस के रूप में जानते हैं, उसको आप टीसीपी आईपी के रूप में जानते हैं, कि उसे आप कंप्यूटर एड्रेस के रूप में जानते हैं। आपको बताना है कि नेटवर्क में हार्डवेयर एड्रेस और फिजिकल एड्रेस को आप किस रूप में जानते हैं? तो मैं आपको बता दूं, इसको हम लोग मैक एड्रेस के रूप में जानते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ये इसका फुल फॉर्म होता है। ये 12 डिजिट का होता है, और ये हेक्साडेसिमल होता है। 12 डिजिट का होता है और हेक्साडेसिमल होता है। ये क्वेश्चन इससे और भी पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो फिजिकल एड्रेस, हार्डवेयर एड्रेस और मैक एड्रेस। फिजिकल एड्रेस को ही हार्डवेयर एड्रेस भी बोलते हैं, हार्डवेयर एड्रेस को ही हम लोग मैक एड्रेस बोलते हैं। ये 12 डिजिट का होता है और ये हेक्साडेसिमल होता है। और इसमें लिखने का जो तरीका होता है, दो मेथड होते हैं, एक तो रेशियो के साथ और एक डैश के साथ, एक तो रेशियो के साथ एक डैश के साथ इसको लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से C2C ब्रांड कौन सा है? C2C ब्रांड का जो नाम है इसमें से कौन सा है? क्या हम फेसबुक से C2C काम कर सकते हैं? जी नहीं। क्विकर से कर सकते हैं? बिल्कुल हाँ। क्विकर और OLX ये तो एक ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पे कस्टमर टू कस्टमर या कंज्यूमर टू कंज्यूमर कहें C2C काम होता है। लिंक्डइन में अभी ऐसा कुछ नहीं होता। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो गया? क्विकर। कौन सा आंसर राइट हो गया? क्विकर की मदद से हम C2C ब्रांड कौन सा है? क्विकर ब्रांड है यहां पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, आपको बताना है यूपीआई के PSP में S का क्या नाम होता है या क्या मतलब है? तो अगर आपको फुल फॉर्म मालूम है PSP का, तब तो आप बता देते हैं, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर। PSP का फुल फॉर्म होता है पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर। तो S का क्या नाम होता है? सर्विस। तो आपका आंसर कौन सा सही हो गया? डी आपका आंसर यहां पर सही हो जाता है, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आ रहा है, आप बहुत ही आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से एंटीवायरस प्रोग्राम कौन सा है? आपको बताना है इनमें से एंटीवायरस प्रोग्राम कौन सा है, एप्लीकेशन होता है, सिस्टम होता है, मालवेयर होता है, या इनमें से कोई नहीं? जी हां, एंटीवायरस प्रोग्राम कौन सा होता है? तो एंटीवायरस जो प्रोग्राम होता है वो होता है सिस्टम प्रोग्राम। कौन सा? सिस्टम प्रोग्राम आपका होता है। इसको आपका राइट आंसर ये हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से ओसाई में कितने लेयर होते हैं? आपसे पूछा जा रहा है, आपको यह बताना है कि ओसाई लेयर कितने प्रकार की होती है। 6, 7, 4, 5, 6, 7, 4, 5। जी हाँ, ओसाई लेयर जो होती है वो सात लेयर होती हैं, जिसको सेंडर्स की तरफ से जब सेंड किया जाता है तो कुछ इस तरह से पढ़ा जाता है, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। लेकिन जब रिसीव किया जाता है जस्ट उल्टा, ठीक है, पहले फिजिकल लेयर काम आएगी, फिर डेटा लिंक लेयर काम आएगी, फिर नेटवर्क लेयर काम आएगी, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर काम आएगी, फिर सेशन लेयर काम आएगी, फिर प्रेजेंटेशन लेयर काम आएगी और फिर एप्लीकेशन लेयर काम आएगी, ठीक है। तो बहरहाल अगर आपसे पूछा जाए कि ओसाई लेयर कितने प्रकार के या कितने लेयर होती हैं, तो आप बताइएगा 7 लेयर होती हैं। सेंडर का तरीका कुछ अलग होता है, रिसीवर का तरीका थोड़ा अलग होता है, सेंडर के जस्ट अपोजिट रिसीवर होता है, और आप जैसे जब क्वेश्चन पूछा जाए तो आप हमेशा बताइएगा इसको रिसीवर की तरफ से। जैसे पूछा जाए कि ये बताइए पहली लेयर कौन सी होती है, तो बताइएगा फिजिकल लेयर होती है, क्योंकि आप रिसीवर हो, आप क्या हो, रिसीवर हो, तो आपको बताना होगा कि फिजिकल लेयर होती है, आप एप्लीकेशन लेयर मत बताइएगा। जब पूछा जाए अगर आप सेंडर हो, सेंडर की पहली लेयर कौन सी होगी, तो आप बताइएगा एप्लीकेशन लेयर होती है, ठीक है, बात समझ में आई, अंडरस्टैंड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन कौन सा है? तो बहरहाल हाँ जी बिल्कुल निशान लगा देते हैं हम यहाँ से, ये आपका राइट आंसर, ओसाई लेयर कितने लेयर होती है? 7 लेयर होती है। अच्छा, इसी तरह से एक नया मॉडल आया है जिसका नाम है TCP/IP। ये सब डेटा को ट्रांसफर करने के मॉडल होते हैं, ठीक है, तो ओसाई मॉडल पुराना मॉडल हो गया, नया मॉडल कौन सा आया? TCP/IP सूट। इसके अंदर चार लेयर होती हैं। चलिए बहरहाल आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ओएसआई मॉडल में ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क और किस लेयर के बीच में होता है? ट्रांसपोर्ट लेयर जो है नेटवर्क और किस लेयर के बीच में होता है? प्रेजेंटेशन लेयर के बीच में होता है, एप्लीकेशन लिंक के बीच में होता है, डेटा लिंक के लेयर के बीच में होता है, या सेशन लेयर के बीच में होता है? देखिए, नेटवर्क लेयर जो है उसके बाद, या आप कह सकते हो अगर आप सेंडर की तरफ से लेते हो तो सेंडर की तरफ से पहले सेशन लेयर आता है, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर आता है और फिर नेटवर्क लेयर आता है। तो सेशन लेयर और नेटवर्क लेयर के बीच में ट्रांसपोर्ट लेयर तब आता है, यानी एक नेटवर्क लेयर होता है, उसके ऊपर क्या होता है? सेशन लेयर। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? सेशन लेयर। इसका राइट आंसर क्या हो गया? सेशन लेयर। ठीक है, आपको ये सारे लेयर याद होगी तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से है, निम्नलिखित में से एक ड्राइव पर कितने प्राथमिक विभाजन मौजूद हो सकते हैं? आपको बताना है आप प्राइमरी पार्टीशन कितना डिवाइड कर सकते हैं, कितने बना सकते हैं। आपके पास एक हार्ड डिस्क है, उस हार्ड डिस्क में आप कितने पार्टीशन बन सकते हैं? आप कहोगे पार्टीशन तो आगे कई बन सकते हैं लेकिन क्योंकि 26 लेटर होते हैं तो आप ए हटा दो, बी हटा दो, ए और बी। आपसे कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है, ये बताइए, देखिए मैं सारा क्वेश्चन आंसर दे रहा हूं आपको, ठीक है। आपसे अभी पूछा गया है कि अगर आप एक कंप्यूटर चला रहे हो, उसमें एक हार्ड डिस्क है, उसमें कितने प्राइमरी पार्टीशन बन सकते हैं, ठीक है। बहरहाल मैं इसको यहीं स्टॉप रखता हूं। आपसे अब क्वेश्चन में पूछ रहा हूं नंबर ऑफ टोटल कितने पार्टीशन बन सकते हैं, तो आपको बताना होता है ए और बी को छोड़ दीजिए, बाकी पार्टीशन बन सकते हैं, यानी 24 पार्टीशन आप बना सकते हो,
ठीक है, हार्ड डिस्क में कितने पार्टीशन बना सकते हो? 24 पार्टीशन बना सकते हो, बट प्राइमरी पार्टीशन केवल 4 बना सकते हो, प्राइमरी पार्टीशन केवल आप 4 बना सकते हो। तो आंसर आपको पता चल गया होगा कितने बन सकते हैं प्राइमरी, 4 पार्टीशन आपके बन सकते हैं प्राइमरी। ठीक है, तो ये आपका इसका राइट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखने से पहले हाँ, मैं बता रहा था कि ए और बी किसके लिए रिजर्व है, फ्लॉपी डिस्क के लिए, ठीक है, और सी जो होता है वो विंडोज का हो जाता है, यानी कि वो उसका प्राइमरी पार्टीशन हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन शॉपिंग करना असंभव है, असंभव है, असंभव है, क्या है, असंभव है, तो ये क्वेश्चन फाल्स है। क्रेडिट कार्ड की मदद से हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, ये बात संभव है, लेकिन यहां पे क्या लिखा हुआ है, असंभव लिखा है, इसलिए ये क्या है, ये फॉल्स है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ईमेल को एक से अधिक लोगों को भेजा जाना संभव है? जी हाँ, बिल्कुल, आप एक से अधिक लोगों को भेज सकते हैं, तो इसका राइट आंसर हो गया ट्रू। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो गया, ट्रू। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, 8 बाइट में एक निबल होता है? जी नहीं, 8 बाइट में एक निबल नहीं, अगर दो निबल, 8 बाइट में दो निबल होता है, 8 बाइट में दो निबल होता है, इसलिए ये क्या है, फाल्स। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस लेयर को एंड टू एंड लेयर कहा जाता है? आपको बताना है कौन सी लेयर को एंड टू एंड, डेटा टू डेटा, यानी आखिरी एंड टू एंड लेयर कौन सा होता है? तो एंड टू एंड लेयर क्या डेटा लिंक लेयर होता है, क्या ट्रांसपोर्ट लेयर होता है, क्या नेटवर्क लेयर होता है, क्या फिजिकल लेयर होता है? आपको बताना है कि ये जो इतने ऑप्शन दिए गए इनमें से एंड टू एंड लेयर कौन सा है? तो एंड टू एंड लेयर जो है वो सिर्फ है ट्रांसपोर्ट लेयर। कौन सा? ट्रांसपोर्ट लेयर को हम लोग एंड टू एंड लेयर कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, लैन और मैन की शुरुआत किस पीढ़ी से हुई? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क और मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की शुरुआत किस जनरेशन से की गई, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ या सेकेंड जनरेशन से की गई? जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा थर्ड जनरेशन से किया गया, थर्ड जनरेशन से किया गया, थर्ड जनरेशन से किया गया है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो गया थर्ड जनरेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर है, निम्नलिखित में से एंटीवायरस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है? एंटीवायरस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है? मैलिशियस सॉफ्टवेयर्स, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स, मेलवेयर या फिर इनमें से कोई नहीं? जी हाँ, आपको बताना है कि एंटीवायरस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। तो एंटीवायरस जो सॉफ्टवेयर होता है वो कैसा होता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। कौन सा? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल फंक्शन विजार्ड के लिए किया जाता है? फंक्शन विजार्ड के लिए किया जाता है, फंक्शन होता ना, फंक्शन विजार्ड के लिए किया जाता है फंक्शन, जैसे सम फंक्शन, स्क्वायर फंक्शन, पावर फंक्शन, स्क्वायर SQRT फंक्शन, राउंड फंक्शन, रैंड फंक्शन, लॉट्स ऑफ फंक्शन, ये विजार्ड अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो इसके लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे? तो उसके लिए आपको शिफ्ट के साथ F4 बटन दबाना पड़ेगा, शिफ्ट के साथ F2 बटन दबाना पड़ेगा, शिफ्ट कंट्रोल के साथ F2 बटन दबाना पड़ेगा, कंट्रोल के साथ F4 बटन दबाना पड़ेगा, या इनमें से कोई नहीं? ये नहीं मैं कहूंगा, ये 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, आप 4ों में से बताएं कौन सा इसका सही आंसर होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर इसका होगा सी आंसर, इसका बिल्कुल सही है जिन लोगों ने बताया है, तो सी आंसर इसका है कंट्रोल प्लस F2। कंट्रोल F2 से देखते हैं,
और अगला क्वेश्चन हमारे पास है, वर्तमान में लिब्रे ऑफिस कैल्क में वर्कशीट में, फिर से देखिए, वर्तमान में लिब्रे ऑफिस कैल्क वर्कशीट में अपने सेल D3 का चयन किया है किसने? D3 का सेल आपने किया है। यदि आप शिफ्ट के साथ स्पेस बार की शॉर्टकट की प्रेस करते हैं, स्पेस बार की शॉर्टकट की प्रेस करते हैं, तो इनमें से क्या होगा? थर्ड रो विल बी सेलेक्टेड, कॉलम डी विल बी डिलीटेड, कॉलम डी विल बी सेलेक्टेड, थर्ड रो विल बी डिलीटेड। अगर ये सारा काम आप करते हैं तो बहरहाल जब भी आपने अगर सपोज दैट आपने कॉलम क्या बोला गया है D3 का चयन किया है, D3 के सेल में आपने कर्सर रखा हुआ D3 सेल में, और जैसे ही आप शिफ्ट दबा करके स्पेस दबाते हैं तो आपकी जो रो है D3 की वो पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, सेलेक्ट हो जाएगी। D3 की जो सेल है, जो रो है, वो पूरी की पूरी सेलेक्ट हो जाएगी। तो इसका आपका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? ए। कभी भी आप ट्राई कीजिए, जिस सेल में आप कर्सर रखेंगे शिफ्ट के साथ स्पेस दबाएंगे तो वो रो क्या हो जाएगी, सेलेक्ट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से है, निम्नलिखित में से प्रथम वेब ब्राउजर कब जारी किया गया था? सबसे पहला ब्राउजर कब जारी किया गया था? 1990 में जारी किया गया था। 1990 में सबसे पहला ब्राउजर जारी किया गया था 1990 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पूछा गया है निम्नलिखित में से किस बैंक द्वारा सर्वप्रथम आधार नंबर के साथ रुपए ATM और माइक्रो ATM कार्ड को लॉन्च किया गया था? तो किस बैंक के द्वारा रुपए ATM कार्ड और माइक्रो ATM कार्ड को लॉन्च किया गया था? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, बैंक ऑफ इंडिया या HDFC बैंक के द्वारा ये लॉन्च किया गया था? जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा सी, बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये लॉन्च किया गया था, बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कॉम्पैक्ट डिस्क CD जिसको बोलते हैं हम, किस सिद्धांत पर आधारित है? किस सिद्धांत पर आधारित है? लेजर पर, मैग्नेटिक पर, मैकेनिकल पर, या इनमें से किसी पर भी नहीं? जी बताइए। जी हाँ बिल्कुल सही, अगर आपने आंसर लगाया है लेजर तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, लेजर पर आधारित है। किस पे? लेजर पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उबंटु में सुपर कुंजी को दबा कर रखने से क्या होता है? उबंटु में सुपर कुंजी को दबाने से क्या होता है? रिस्टार्ट द पीसी रिस्टार्ट हो जाता है, टर्न ऑन द पीसी टर्न ऑन हो जाता है, ऑल शॉर्टकट्स शो करने लगते हैं, या कुछ नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर होगा रीस्टार्ट द पीसी क्या हो जाता है? रीस्टार्ट हो जाता है। पीसी क्या हो जाता है? रीस्टार्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कौन सा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एप्लीकेशन पासपोर्ट संबंधित है? पासपोर्ट से संबंधित कौन सा एप्लीकेशन है? सेवा पासपोर्ट, पासपोर्ट सेवा, ई पासपोर्ट, या इनमें से कोई नहीं? देखिए, एप्लीकेशन पासपोर्ट से संबंधित पासपोर्ट सेवा नामक एप्लीकेशन का यूज किया जाता है, पासपोर्ट सेवा नामक एप्लीकेशन का यूज किया जाता है, ये आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस दिनांक को उमंग ऐप जारी किया गया था, यानी कौन सी डेट थी जब उमंग ऐप लॉन्च किया गया था? 23 नवंबर 2016 को लॉन्च किया गया था, 23 नवंबर 2017 को लॉन्च किया गया था, 23 नवंबर 2018 को लॉन्च किया गया था, या इनमें से कोई नहीं? उमंग ऐप को सन
यहाँ पे जो आंसर होगा आपका 23 नवंबर 2017 को लॉन्च किया गया था उमंग ऐप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास USSD। बताइएगा USSD भारत में कब लॉन्च किया गया, USSD भारत में कब लॉन्च किया गया। ए नवंबर 2018 को लॉन्च किया गया, नवंबर 2017 को लॉन्च किया गया, नवंबर 2012 को लॉन्च किया गया, नवंबर 2016 को लॉन्च किया। तो यूएसएसडी को कब लॉन्च किया गया था? जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा नवंबर 2012 को लॉन्च किया गया था, नवंबर 2012 को लॉन्च किया गया था, क्या USSD। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से प्रथम संदेश किसके द्वारा भेजा गया था। सबसे पहला संदेश किसके द्वारा भेजा गया था? व्हाट्सएप के थ्रू भेजा गया था, गूगल के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, बचा क्या? आर्पानेट। आर्पानेट का फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ये फुल फॉर्म होता है आर्पानेट को। आर्पानेट इंटरनेट का सबसे पहला नाम था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि इंटरनेट का सबसे पहला नाम क्या था, तो आप बताइएगा आर्पानेट। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन है वाईफाई के पासवर्ड में न्यूनतम वर्णों की संख्या कितनी होती है? 8, 6, 5, 4 कितनी होती है? वाईफाई के पासवर्ड के न्यूनतम शब्दों की संख्या जो होती है वो होती है 8 करेक्टर। कितने? 8 करेक्टर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कुंजी द्वारा स्लाइड को शुरू किया जाता है? निम्नलिखित में से स्लाइड को किस कुंजी के द्वारा यानी किस शॉर्टकट के द्वारा शुरू किया जाता है? F4, F5, F1 या F2 के द्वारा किया जाता है? आपको बताना है इसका राइट आंसर कौन सा होगा। जी हाँ, बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर होगा F5। जब भी आप किसी पावर पॉइंट में या इंप्रेस में स्लाइड को शुरुआत से ही प्ले करते हैं तो F5, और जब करंट स्लाइड की बात आती है तो आप शिफ्ट के साथ F5, जब करंट स्लाइड की बात आएगी तो शिफ्ट के साथ F5, और जब आपका शुरुआत से कहेगा तो क्या प्रेस करेंगे? F5 प्रेस करेंगे। अगला क्वेश्चन यहां पर देखते हैं हम, वाईफाई का पूरा वाईफाई में फाई का पूरा यानी जो है FI का पूरा नाम क्या होता है? फिडेलिटी होता है, फीचर्स होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होता है, ये सभी होता है। ज्यादातर लोग तो सभी लगा के चले आएंगे, सभी नहीं, वायरलेस का फुल फॉर्म फेडलिटी होता है, फेडलिटी, और वाईफाई का मतलब वायरलेस फेडलिटी। यहां पे आप इसका आंसर पहला सही हो गया, क्या? फेडलिटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या कहलाते हैं? पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या कहलाते हैं? वेब लेआउट कहलाते हैं, मार्जिन कहलाते हैं, ओरिएंटेशन कहलाते हैं, पेज सेटअप कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं पोर्ट्रेट और लैंडस्केप? तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या कहलाते हैं? ओरिएंटेशन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ओरिएंटेशन कहलाते हैं। अब आपसे क्वेश्चन इसका, और कितने प्रकार के ओरिएंटेशन होते हैं? दो, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। बाय डिफॉल्ट राइटर में कैसा ओरिएंटेशन होता है? पोर्ट्रेट। कैल्क में कैसा होता है? पोर्ट्रेट। इंप्रेस में कैसा होता है? लैंडस्केप। तो आपको ये क्वेश्चन भी याद रखना पड़ेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारे पास है, असेंबलर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? असेंबलर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? आपको बताना है असेंबलर जो है वो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है,
सिस्टम सॉफ्टवेयर है या ह्यूमन वेयर सॉफ्टवेयर है, कौन सा सॉफ्टवेयर है? तो मैं आपको बता दूं, असेंबलर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर है, क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है? सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा? असेंबलर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग यहां से देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रोसेस सॉफ्टवेयर है, प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है आप कह सकते हो, कौन सा शब्द प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है? वर्डपैड, लिब्रे ऑफिस राइटर, एमएस वर्ड या सभी? जी हां, सभी प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हैं। सभी क्या हैं? प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हैं। आप वर्डपैड भी क्या है? प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। एमएस वर्ड भी क्या है? प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। लिब्रे ऑफिस राइटर भी क्या है? प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता यूपीआई से लेन देन करने में नहीं होती है? अगर आप यूपीआई से लेन देन करते हैं तो उसमें से क्या चीज आपको नहीं चाहिए होता है? आईएफएससी कोड, पिन, पैन कार्ड या अकाउंट नंबर? जी हां, बिल्कुल सही आंसर, आपको पैन कार्ड की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, पैन कार्ड की जरूरत नहीं पड़ती है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर गणित के जनक कौन है? कंप्यूटर का जो गणित है, मैथ, उसके जनक कौन है? बिल गेट्स हैं, सीमोर के हैं, बोरिस बॉबियन हैं या चार्ल्स बेबेज हैं? तो मैं आपको बता दूं, कंप्यूटर के जो गणितज्ञ हैं, गणित के जनक जो हैं, वो कौन हैं? बोरिस बॉबियन, ये हैं कंप्यूटर के गणित के जनक। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया था? आपको बताना है, कैलकुलेटर, एनालिटिकल इंजन, सुपर कंप्यूटर या अबेकस? तो चार्ल्स बेबेज ने जिस कंप्यूटर को बना करके अपना नाम रोशन किया, वो नाम था एनालिटिकल इंजन। वो कौन सा नाम था? एनालिटिकल इंजन, इसको बनाया था चार्ल्स बेबेज ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। किसी भी वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ क्या कहलाता है? वेब पेज, होम पेज, मेन पेज, कुछ भी नहीं? जी हां, किसी भी वेबसाइट का जो पहला पेज होता है वो कहलाता है होम पेज। किसी भी वेबसाइट का जो पहला पेज है वो क्या कहलाता है? होम पेज कहलाता है। क्लियर्स? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंपाइलर उस स्तरीय भाषाओं को मशीन भाषा में बदल सकता है? बिल्कुल सही बात है। जी हाँ, कंपाइलर का काम ही क्या होता है? हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलना। ठीक है ना, ट्रू है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीडीएमए स्प्रेड स्पेक्ट्रम तकनीक है? बिल्कुल सही है। पहले सीडीएमए के सी हम लोग यूज किया करते थे। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंपाइलर एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है? कंपाइलर एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। जी हाँ बिल्कुल, जब असेंबलर सिस्टम सॉफ्टवेयर हो सकता है तो कंपाइलर भी क्या हो सकता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर हो सकता है। अगला क्वेश्चन यहां पे आता है, नेक्स्ट, मोबाइल फोन के ऐप पर अपनी लोकेशन की अनुमति देना सुरक्षित है? देखिए ये तो डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, लेकिन बहरहाल यहां पर देना सुरक्षित नहीं है, ये फॉल्स है। ठीक है ना, ये क्या है? ये फॉल्स है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, SSL का पूरा नाम क्या है? सीक्रेट सॉकेट लेयर होता है, सही है? जी नहीं, सिक्योर सॉकेट लेयर होता है। तो ये क्वेश्चन फॉल्स है। फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योर सॉकेट लेयर। ठीक है, तो ये क्या है? ये फॉल्स है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
यूएसएसडी का पूरा नाम यूनिफाइड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा होता है। यूएसएसडी मैंने कई बार क्वेश्चन पूछा गया, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। *99# जो आप यूज करते हो, ठीक है, तो वो यूएसएसडी कोड होता है और इसका फुल फॉर्म यही होता है, यूनिफाइड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। तो ये बात सही है, ठीक है ना, यहाँ पे आप कहेंगे ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्या हम एक सिंगल कमांड में एक से अधिक ईमेल प्रिंट कर सकते हैं? जी नहीं, ये बात गलत है, इसको आप यहां से फॉल्स, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएफएससी कोड क्या है? आईएफएससी कोड एक अल्फा न्यूमेरिक 11 डिजिट का होता है। जी बिल्कुल बात सही है, पहला 4 अल्फाबेट बैंक के लिए और आखिरी 6 न्यूमेरिक कोड ब्रांच के लिए, और बीच में 0 का यूज होता है, ये भी बात सही है। भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड है ये, बिल्कुल सही है, यानी कि सारे के सारे आंसर यहां पर सही हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। ड्रम लेजर और चैन, ड्रम लेजर चैन निम्न में से किसके उदाहरण है? कीबोर्ड, मॉनिटर, टाइपराइटर या प्रिंटर? जी हाँ, ये सारे क्या हैं? ये प्रिंटर के एग्जाम्पल हैं, ये सारे क्या हैं? ये प्रिंटर के एग्जाम्पल हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा दुनिया का सबसे पहला वेब ब्राउजर था? मोजिक, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर या सफारी? आपको बताना इसमें कौन सा सही आंसर होगा। जी हाँ, मोजिक दुनिया का सबसे पहला जो ब्राउजर था वो कौन सा था? मोजिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रयुक्त डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सा होता है? डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सा होता है? लिब्रे ऑफिस, लिब्रेशन सेरिफ, कैलिबरी, टाइम्स न्यू रोमन या लिब्रेशन इंपैक्ट? जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा लिब्रे ऑफिस राइटर में सबसे पहला जो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट है वो पहला वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से अटल पेंशन योजना का अधिकतम आयु सीमा क्या होती है? 40, 50, 55, 70। अप्लाई करने की जो अधिकतम सीमा होती है वो होती है 40। कितनी होती है? 40 साल तक। अगला क्वेश्चन देखिए, लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिफॉल्ट रूप से कितनी सीट होती है? 3, 5, 1, 2। डिफॉल्ट रूप से कितनी सीटें होती हैं? 1 होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का वर्गीकरण नहीं है? आपको बताना है कि कंप्यूटर का कोई एक वर्गीकरण नहीं है। मैक्स फ्रेम नहीं है, मेन फ्रेम नहीं है, मिनी नहीं है या नोटबुक नहीं है? जी हां, पहला आंसर यहां पर आपका सही है, इसमें मैक्स फ्रेम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 65। निम्न में से अटल पेंशन योजना में पेंशन मिलना किस उम्र से शुरू होता है? 55 साल से, 60 साल से, 40 साल से, 50 साल से, कितने साल से मिलना शुरू होता है? जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा 60 ईयर। कितना? 60 ईयर से मिलना चालू होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारे पास है, लिब्रे ऑफिस राइटर में रूलर बार कैसे लाभदायक है? देखिए, लाभदायक की बात करें तो पहला, पेज मार्जिन बदलता, सही है। टैब सेटिंग करना, यह भी सही है। नेट सेटिंग करना, यह भी सही है। यानी कि सभी की सभी यहां पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। निम्न में से ईमेल में क्या नहीं है? रिप्लाई ऑल ऑप्शन होता है, रिप्लाई का भी ऑप्शन होता है, फॉरवर्ड का भी होता है, लेकिन फॉरवर्ड ऑल का ऑप्शन नहीं होता है।
जी हाँ, फॉरवर्ड ऑल का ऑप्शन ईमेल में से नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन है हमारे पास डाटा इंक्रिप्शन, डीएस का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड डिजाइन किसके द्वारा किया गया है? इंटेल कंपनी के द्वारा डिजाइन किया गया है, आईबीएम कंपनी के द्वारा डिजाइन किया गया है, एचपी कंपनी के द्वारा डिजाइन किया गया है, या सोनी कंपनी के द्वारा डिजाइन किया गया है? तो डीईएस डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड जो है वो आईबीएम कंपनी के द्वारा डिजाइन किया गया है। किसके द्वारा? आईबीएम कंपनी के द्वारा डिजाइन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, यूपीआई में एक पता है जो किसी व्यक्ति के बैंक खाते की विशिष्ट पहचान करता है। यूनिक एड्रेस है, पेमेंट एड्रेस है, बैंक एड्रेस है, या प्राइमरी एड्रेस है? जी हाँ, पेमेंट एड्रेस है जिसकी पहचान करता है, पेमेंट एड्रेस इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, हैंडआउट्स मास्टर में फुटर एरिया कहां पर प्रदर्शित होता है? सेंटर ऑफ द पेज, बॉटम राइट ऑफ द पेज, टॉप ऑफ द पेज, या बॉटम ऑफ द पेज? जी हां, इसका राइट आंसर होगा लास्ट, यानी कि बॉटम ऑफ द पेज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71, निम्न में से विषम क्या है, सबसे अलग देखने में क्या है? ए एस एच, के एस एच, बी एस एच, सब एक ही जैसा है, अलग क्या है आपका? कर्नल। कर्नल इनसे अलग देखने में लग रहा है, लिखावट में चेंजिंग है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहां से देखते हैं, मैक एड्रेस कितने भागों में विभाजित होता है? 3, 4, 1, 2। तो इसका राइट आंसर होगा आपका, जी जल्दी बताएं, इसका राइट आंसर होगा, जी हाँ, दो, दो भागों में विभाजित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिलीट की गई फाइल कहाँ स्टोर होती है? कंप्यूटर में, रिसाइकिल बिन में, साइकिल बिन में, या इनमें से कोई नहीं? कंप्यूटर से जब भी कोई फाइल डिलीट होती है तो वो सीधा कहाँ जाती है? रिसाइकिल बिन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा उबंटू में ईमेल क्लाइंट है? तो ईमेल का जो क्लाइंट है उबंटू का, थंडरबर्ड्स है, आउटलुक एक्सप्रेस है, ट्विटर है, या हॉटबर्ड्स है? जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा थंडरबर्ड्स, यहां पर हो गया कौन सा? थंडरबर्ड्स, थंडरबर्ड्स। अगला क्वेश्चन देखिए, लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस राइटर का फाइल एक्सटेंशन इनमें से कौन सा है? डीओसी है, ओडी, ओपीडी है, ओडीटी है, या डीओसीएक्स है? आपको बताना है कि लिब्रे ऑफिस राइटर का फाइल एक्सटेंशन इनमें से कौन सा है। जी हाँ, बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, ओडीटी, ओडीटी। अगला क्वेश्चन देखिए, UMTS का पूरा नाम क्या है? UMTS का पूरा नाम क्या है? UMTS का पूरा नाम क्या है? ए यूजर मोबाइल टेलीकॉम सिस्टम, बी यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकॉम सिस्टम, सी यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकॉम सिस्टम, और डी अर्बन मास ट्रांसमिशन। देखिए यहाँ पे बी और सी एक ही तरह का है, सेम है, तो इसका आंसर एक कोई लगाइएगा, चाहे बी या सी, तो आपका जो फुल फॉर्म है ये है, ठीक है, चाहे बी लगाइए चाहे सी लगाइए, यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से भारत में क्रेडिट कार्ड शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा है? पहला बैंक कौन सा है? कैनरा बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, या आईसीआईसीआई बैंक है? जी हाँ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सबसे पहला है जिसने क्रेडिट कार्ड शुरू किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से सीपीयू की गति किसमें मापी जाती है? सीपीयू की जो गति है वो किसमें मापी जाती है? गीगाहर्ट्ज़ में मापी जाती है, जी बी में मापी जाती है, के बी में मापी जाती है, इनमें से कोई नहीं। जब भी गति की बात आएगी तो वो हमेशा किसमें आएगी? गीगा हर्ट्स में, या गीगा बाइट्स में, गीगा हर्ट्स में आप किसमें? गीगा हर्ट्स में,
यूनिट की बात आएगी मेमोरी कैपेसिटी की, तब आप बताइएगा जीबी एमबी केबी या कुछ भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। ईमेल को एक साथ कई लोगों के ग्रुप में भेजना है तो बीसीसी का उपयोग करना सही रहेगा या करना चाहता किया जाता है? जी हाँ बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, चैट करने के लिए दो व्यक्तियों को ऑनलाइन होना आवश्यक है? जी बिल्कुल राइट आंसर है, ट्रू। कंप्यूटर में नोटिफिकेशन क्षेत्र में समय प्रदर्शित होता है? बिल्कुल हाँ, नोटिफिकेशन एरिया में टाइम डेट और अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हो तो बैटरी नेटवर्क ये सारी चीजें यहाँ पर आपको शो करती हैं, स्पीकर्स ये सारी चीजें आपको यहाँ पर शो करती हैं अगर आप कंप्यूटर नोटिफिकेशन एरिया में देखते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्पैम ईमेल को रिप्लाई करना चाहिए? स्पैम ईमेल को रिप्लाई कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है, इसलिए ये फॉल्स है। ठीक है, यहां पे आपका आंसर क्या होगा? फॉल्स। ईमेल भेजने के लिए आईमैप और POP3 प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? जी नहीं, SMTP का प्रयोग किया जाता है, इनके थ्रू हम सिर्फ रिसीव कर सकते हैं, तो इसलिए ये फॉल्स है। अगला क्वेश्चन देखिए, हम ईमेल में असीमित टेक्स्ट भेज सकते हैं? जी नहीं, ईमेल में आप सिर्फ 1500 करेक्टर लिख करके भेज सकते हैं, असीमित नहीं भेज सकते हैं, इसलिए ये फॉल्स है। रो तथा कॉलम को स्क्रॉलिंग तथा प्रतिबंधित करने के लिए किस विकल्प का उपयोग इनमें से किया जाता है? स्टॉप, दूसरा भी स्टॉप, सी फ्रीज या डी स्क्रॉल ऑफ? जी हां, इसका राइट आंसर होगा फ्रीज। फ्रीज किया जाता है रो और कॉलम के स्क्रॉलिंग को प्रतिबंधित रोकने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? फ्रीज ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, ऑनलाइन बैंकिंग क्या है? माई बैंकिंग है, इंटरनेट बैंकिंग है, UPI है, USSD है? ऑनलाइन बैंकिंग क्या है? इंटरनेट बैंकिंग है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? कॉम, OCR, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन डिवाइस, ऑप्टिकल स्कैनर, इसमें से कौन सा नहीं है? जी बिल्कुल, ये तीन ऑप्शन PC तो ये इनपुट डिवाइस है लेकिन ये नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पैन का पूरा नाम क्या है? परमानेंट अकाउंट नंबर, परमानेंट एड्रेस नंबर, पब्लिक अकाउंट नंबर या इनमें से कोई नहीं? बताना है आपको कि पैन का पूरा नाम क्या है। पैन का मतलब होता है परमानेंट अकाउंट नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89, iOS ऑपरेटिंग सिस्टम किसके लिए बनाया गया है? iOS ऑपरेटिंग सिस्टम किसके लिए बनाया गया है? सैमसंग मोबाइल के लिए बनाया गया है, एप्पल मोबाइल की डिवाइस के लिए बनाया गया है, ब्लैकबेरी मोबाइल की डिवाइस के लिए बनाया गया है या सभी के लिए बनाया गया है? देखिए iOS जो है वो किसके लिए बनाया गया है? जी हाँ बिल्कुल, एप्पल कंपनी के मोबाइल के लिए बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, माउस में कितने बटन होते हैं? 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4। जी हाँ बिल्कुल, तीन बटन होते हैं, लेफ्ट राइट और स्क्रॉलर, लेफ्ट राइट और स्क्रॉलर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसका प्रयोग करने के बाद बंद कर देना चाहिए? देखिए फ्लैश लाइट, एप्लीकेशन लाइट, एप्लीकेशन ऐप अपडेट या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो यहां पर आपका जो आंसर होना चाहिए यहां पर एप्लीकेशन। देखिए बंद तो जब भी जैसे काम कर रहे हैं वहां पर उसको क्या कर दें? बंद कर दें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैसे तो फ्लैश लाइट भी बंद कर देनी चाहिए, ठीक है ना। आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम में ऑथेंटिकेशन के लिए यूनिक ID के साथ साथ और किसकी आवश्यकता होती है? पासवर्ड की, बायोमेट्रिक्स की, पिन की या इनमें से कोई नहीं? जी हाँ, इसके अलावा आपको बायोमेट्रिक्स मशीन भी चाहिए होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा ईमेल के फाउंडर हैं? पाउल, रे टॉमलिंसन, बिल गेट्स या इनमें से कोई नहीं? देखिए, रे टॉमलिंसन के द्वारा सबसे पहला मेल भेजा गया था, तो ईमेल के फाउंडर कौन है? रे टॉमलिंसन। लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक करने के किस मेनू में जाना पड़ता है? एडिट में ना, एडिट से तो कुछ नहीं होता, एडिट में तो हम लोग कट कॉपी पेस्ट ये सारे करते हैं। इंसर्ट में जाकर के हम ब्रेक कर सकते हैं, तो हाँ इसका आंसर क्या हो गया? इंसर्ट। इंसर्ट में जाकर के हम पेज को ब्रेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाईफाई का पूरा नाम क्या है? वायरलेस फिडेलिटी, वायरलेस फाइल्स, वाइड फाइल्स या इनमें से कोई नहीं? तो वायरलेस फिडेलिटी पहला आंसर इसका आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन सा वीडियो शेयरिंग वेबसाइट का उदाहरण नहीं है? आप यूट्यूब पे वीडियो शेयर कर सकते हो, आप डेली मोशन में भी वीडियो शेयर कर सकते हो, आप मेटा कैफे भी कर सकते हो, पिंटरेस्ट पे नहीं कर सकते। ये आपका राइट आंसर ये है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लिब्रे ऑफिस राइटर में ट्रैक चेंज का विकल्प है? आपको बताना है इसमें से कि लिब्रे ऑफिस राइटर में ट्रैक चेंज का इसमें से कौन सा एक विकल्प है? ट्रैक डिटेल बिल्कुल नहीं, नॉट रिकॉर्ड ये भी नहीं, हिस्ट्री भी नहीं, तो है कौन सा? रिकॉर्ड का ऑप्शन, रिकॉर्ड का ऑप्शन आप ट्रैक चेंज का ऑप्शन यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, उमंग ऐप में एन का क्या मतलब होता है? न्यू, न्यू एज, नेक्स्ट या इनमें से कोई नहीं? तो उमंग में न्यू का मतलब होता है न्यू एज, उमंग में न्यू का मतलब होता है न्यू एज, बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ड्रम, लेजर और चैन किसके प्रकार हैं? कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर या इनमें से कोई नहीं? ड्रम, लेजर और चैन ये जो है प्रिंटर का एग्जाम्पल है। और एक लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसे सपोर्ट करता है? सिंगल टास्किंग को, सिंगल यूजर को, मल्टी यूजर मल्टी टास्किंग को या फिर मल्टी यूजर को सपोर्ट करता है? लाइनक्स एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मल्टी यूजर और मल्टी टास्किंग को सपोर्ट करता है। इसका राइट आंसर होगा सी, मल्टी यूजर और मल्टी टास्किंग का ये होगा। तो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा।